रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। चाहे जितना भी करेंगे चतुराई, पुराना चावल ही पंथ दिया जाएगा भाई। बिहार में राजनीतिक रूप से जो एक बीमारी विरोध की पैदा हो गई थी, उस पर धीरे धीरे विराम लगना शुरू हो गया है। और ये विराम सबसे पहले शुरुआत हुई है एनडीए में। सबसे पहले इसकी शुरुआत एनडीए में हुई है और एनडीए में शुरुआत करने वाले भी बिहार के दिग्गज नेता और खास करके भारतीय जनता पार्टी के सबसे बलवान नेता माने जाते हैं। बलवान इसलिए कि उनका जनाधार और उनके पीछे पूरी भाजपा दौड़ती है। भाजपा का मतलब इस देश में मोदी होता है, वहीं बिहार में भाजपा का मतलब छोटे मोदी है। चाहे कोई कितना भी खुद को जबरदस्त वाला हाई हार्डकोर या डाई हार्डकोर भाजपाई कह ले, चाहे जितना भी अपने आप को प्रमाणित कर ले, जितना भी झंडा ढोले, साबित करने के लिए विरोध में अपने विरोधियों को नाको चने क्यों न चबवा ले, पर जो होगा, जो फैसले लिए जाएंगे, वो छोटे मोदी ही करेंगे। इसका प्रमाण भी अनेकों बार देश के और प्रदेश के लोगों को मिला है। जनता भी जानती है कि भाजपा मतलब सुशील मोदी होता है। बात जब भी बिहार भाजपा की होती है तो हर समस्या मुद्दों का हल छोटे मोदी के द्वारा ही संभव हो पाता है। चाहे कितना भी विरोधी खेमा हो हल्ला मचाए, पर हो ही वही जो मोदी मन भाए। पिछले एक सप्ताह में राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से मोड़ ले रहा है, उससे कई तरह की संभावनाओं को जन्म दे दिया है। ऐसा लगता है कि अब भाजपा नीतीश के बीच सब कुछ खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, पर अचानक से छोटे मोदी एक्शन में आते हैं। दिल्ली से सीधे आरएसएस के शीर्ष नेताओं को लेकर पटना पहुंचते हैं और 24 घंटा के अंदर पूरी राजनीति को ही बदल देते हैं। छोटे मोदी को पता है कि बिहार में भाजपा की मास्टर की जो है वो उनके पास ही है। वो जब चाहें बंद दरवाजे खोल अपने कला कौशल को दिखा सकते हैं। पिछले एक सप्ताह से चल रहे हंगामे को शांत कर देना साबित करता है कि बिहार भाजपा का मतलब सुशील मोदी और सुशील मोदी का मतलब बिहार भाजपा होता है। अगले साल 2020 में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बिहार भाजपा के नेताओं में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है कि मुख्यमंत्री अब उनके दल का बनाया जाए। भाजपा नेताओं का कहना है कि 15 साल से नीतीश को चुपचाप समर्थन देते आ रहे हैं, अब भी नीतीश को ही बिहार का एनडीए का और मुख्यमंत्री दोनों ही मान लेना आखिर क्या कुछ कहता है और क्यों। इस संदर्भ में बातें भीतर ही भीतर चल रही थी, जिसे सबसे पहले भाजपा नेता विधान पार्षद संजय पासवान ने रखा और उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर भाजपा को नीतीश कुमार दे दें। नीतीश कुमार को उन्होंने मशवरा दिया था कि वो अब केंद्रीय नेतृत्व में चले जाएं। इस बयान के बाद से भाजपा में समर्थन की बाढ़ आ गई और कई नेताओं ने संजय पासवान का समर्थन कर दिया। भाजपा को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने की बात जंगल में आग की तरफ फैलने लगी। इस पर जदयू बड़े ही तल्ख तेवर दिखाने लगी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने तो भाजपा को साफ कह दिया कि बराती बनकर साथ रहना है तो रहें, वरना 2015 को फिर से दोहराया जा सकता है। इन बयानों ने भाजपा और जदयू नेताओं में वाक युद्ध छेड़ दिया, जो आने वाले चुनाव और एनडीए की सेहत पर असर डालने लगा था। आपको बता दें कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड की बात की जाए तो बिहार भाजपा में के कई ऐसे नेता हैं जो भले सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने में हिचकते हों, परंतु वास्तविकता है कि ज़्यादातर नेताओं का मंतव्य बिल्कुल संजय पासवान की तरह ही है और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ें। भले वह सार्वजनिक रूप से इस बातों को नहीं कहें, पर उनके मन में ये बात लगातार चल रही है और इसको जैसे ही विरोध का स्वर मिला सभी मुखर हो गए। अब आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर बिहार में चल रहे विवाद और उठ रहे ज्वार भाटा को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने
समझ लिया था और भाप भी लिया था। दौड़े दौड़े वो मंगोलिया से यात्रा से वापस आए। वापस करते ही नीतीश कुमार के समर्थन में उन्होंने पहला बयान दिया कि नीतीश कुमार ही 2020 के कप्तान होंगे। हालांकि भाजपा में ऐसे तो कहा जाता है कि अनुशासन है, परंतु जब नीतीश के विरुद्ध बयान देने की होड़ लगी तो सारे अनुशासन और केंद्रीय नेतृत्व के संदेश धराशायी होते दिखे। सवाल बार बार ये उठ रहा है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली भाजपा के पास एक अदना सा ऐसा नेता नहीं जिसके दम पर बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सके। राजनीति के जानकार, विपक्ष और जनता के बीच यह प्रश्न हमेशा अनुत्तरित ही रह जाता है, क्योंकि भाजपा की तरफ से कोई भी जवाब देने के लिए आगे नहीं आता है। इसका प्रमाण कई बार मिल चुका है। नीतीश के सामने आरएसएस और भाजपा ने अचानक से आत्मसमर्पण कर दिया। अपना नेता और मान लेने से इस बात पर पूरी तरह से विराम लग गया कि एक बार फिर से वही बातें पूरी हुई कि भाजपा में एक भी ऐसा नेता नहीं जो नीतीश के समकक्ष खड़ा हो सके। इस पूरे प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो थे छोटे मोदी। जैसा कि भारत लाइव ने सबसे पहले आरएसएस भाजपा की गुप्त बैठक का खुलासा किया था, उसके बाद आरएसएस नीतीश कुमार के साथ हुए सुशील मोदी के साथ गुप्त बैठक का भी हमने आपको जानकारी दी थी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दोबारा नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारते हुए प्रशंसा कर नीतीश विरोधी भाजपा नेताओं की बोलती बंद करवा दिया। इस राजनीतिक ड्रामे में छोटे मोदी ने आरएसएस को भी बिहार बुला लिया। आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क सह प्रमुख रामलाल और उनके साथ एक दो अन्य संघ के वरिष्ठ नेताओं के साथ सुशील मोदी के आवास पर गुप्त बैठक हुई। भाजपा के चुनिंदा वरिष्ठ नेताओं और नीतीश कुमार के विरोधी खेमे के नेताओं को बुलाकर जमकर क्लास लगाई गई। वहीं इस गुप्त बैठक में नीतीश के नेतृत्व में चलने के सुशील मोदी के कदम का समर्थन भी करने को मजबूर किया गया। विरोध करने वाले नेताओं को अब यहां के बाद से अपने जवान पर लगाम लगानी थी। स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बाहर निकल करके वो अपने मुंह पर विराम लगा लें। इसके अगले दिन संघ के अन्य नेताओं के साथ रामलाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मिलकर सारी स्थितियों को स्पष्ट करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व को भाजपा द्वारा बिहार में स्वीकार करने की बात को स्पष्ट रूप से कह दिया और पुनः सब कुछ ठीक होने का भी उन्होंने वादा किया। सूत्रों की माने तो इस पूरे प्रकरण में छोटे मोदी का बड़ा रोल था और उन्हें अपने भविष्य के प्रति संशय का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सब जानते हैं और समझते हैं कि इन दो धुरंधर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की दोस्ती लंबी है। नीतीश का भाजपा से संबंध खत्म होने का मतलब होता है कि छोटे मोदी का की भी राजनीतिक पारी का बिहार में समाप्त हो जाएगा और विराम लग जाएगा। इसके अलावे भी जानकारों का कहना है कि बिहार में छोटे मोदी के कद तथा उनके पद के बराबर अभी तक कोई अपना कद नहीं बना पाया। बिहार भाजपा में नेता भले बहुत हैं पर रणनीतिकार मात्र एक है और वो है सुशील मोदी। आपको बता दें कि कारण चाहे जो भी हो, इस घटना से स्पष्ट है कि बिहार भाजपा वही करेगी जो सुशील मोदी चाहेंगे। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बिहार भाजपा में सुशील मोदी को और बिहार एनडीए में नीतीश कुमार को ही कप्तान मानने को बाध्य है। ऐसा नहीं कि सक्षम और कुशल नेतृत्व करने वाले नेता नहीं, बल्कि असल बात यह है कि सुशील मोदी को भाजपा और संघ के केंद्रीय नेतृत्व का सानिध्य प्राप्त है। वैसे भी अपनी रणनीति से भाजपा को बिहार में हारी हुई बाजी को थाली में सजा कर वापस सुशील मोदी नहीं दिया था। इसके साथ ही एक बात और है कि जो भी नेता बिहार भाजपा में अपना कद बढ़ाता है उसे या तो हाशिए पर चले जाना होता है या फिर केंद्र में उसे सुशील मोदी के द्वारा बिना किसी सोच समझ के सीधे बैरन वापस भेज दिया जाता है। अब इन सब के बीच सुशील मोदी एकमात्र ऐसे नेता बिहार भाजपा में हैं जो बिहार भाजपा के नाम से जाने जाते हैं। भाजपा में जो कुछ भी होगा बिहार में वो सुशील मोदी के
हाथों से और उनके जुबान से होता हुआ बिहार की राजनीति में सफर करेगा। इसलिए छोटे मोदी के सामने अन्य नेताओं को अभी काफ़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत है, आगे चाहे जो भी हो। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना पड़ा, वो बहुत कुछ कहानी कह रहा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जनाधार और संख्या वाली पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक क्षेत्रीय पार्टी नीतीश कुमार के सामने मजबूर हो गई और उनके सामने अपना हथियार डाल दिया। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था कि वो अपनी जीती हुई सीटें भी छोड़कर नीतीश कुमार को दे दें। अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये बात प्रमाणित कर दिया है कि बिहार में यदि राजनीति करनी है तो आपको नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलना होगा। सत्ता में अगर बने रहना है तो नीतीश का समर्थन और उनकी कप्तानी स्वीकार करनी होगी। और ये बात एक बार फिर से दुनिया की सबसे ज़्यादा संख्या वाली पार्टी के नतमस्तक होने से प्रमाणित हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार हैं और बिहार भाजपा में सुशील मोदी हैं। इस पर अब मुहर सबसे बड़ी संस्था कही जाने वाली बीजेपी और आरएसएस ने लगा दिया है। इस पर अब कोई भी चर्चा परिचर्चा आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं देख सकते हैं। जो भी चर्चा करेंगे उनके लिए दरवाज़ा निश्चित रूप से सुशील मोदी ने खोल के रखा है, जो उनके पास मास्टर की है। उस मास्टर की का प्रयोग वो हमेशा करते रहते हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को जीवंत भी रखते हैं। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।